हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति जैसे कि आयुर्वेद इतना आसान और सरल है जिसे कोई भी समझ सकता है, लेकिन आजकल की मेडिकल साइंस जो है वो उतनी आसान नहीं है, उसे समझना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। दोस्तों, आज की मेडिकल साइंस में अगर आपने कोई डिग्री भी करके रखी है तो आप फिर भी उसको आसानी से समझ नहीं पाओगे और आप आजकल की दवाई के नाम भी मुश्किल से याद रख पाओगे। लेकिन दोस्तों, हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में हमारे घरेलू नुस्खे जैसे कि सौंफ, अजवाइन, हल्दी, अदरक वगैरह के बारे में हमको बहुत ही विस्तार से बताया गया है, और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ही हमारे आयुर्वेद में ज़्यादातर दवाइयाँ बनाई जाती है। दोस्तों, कोई भी आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, मगर ये सब चीज़ों को आसानी से समझ पाता है, और यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, इसीलिए पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा स्वस्थ और लंबा जीवन जीते थे, और आयुर्वेद को फॉलो करने के कारण वो बीमारी का शिकार नहीं होते थे। इसके विपरीत आजकल के ज़माने में हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम डॉक्टर पे पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमको हमारे भरोसे के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है और हम बहुत ही ज़्यादा कष्ट भुगतते हैं। दोस्तों, आजकल का मेडिकल साइंस ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि डॉक्टर आपको एक दवाई देते हैं, अगर वो कभी कभी आपके शरीर पे काम करती है और कभी कभी नहीं करती है। अगर वो आपके शरीर पे काम नहीं करती है तो जब आप दूसरी बार वो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई चेंज करके देता है। ऐसे दो तीन दवाइयाँ चेंज करने के बाद कोई ना कोई आपके शरीर को लागू हो जाती है। दोस्तों, इसके विपरीत आयुर्वेद में कोई भी बीमारी के लिए इलाज निश्चित है, मतलब कि कौन सी बीमारी में आपको कौन सा इलाज करना है ये बिल्कुल निश्चित है। दोस्तों, आयुर्वेद की सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमेशा बीमारी के जड़ में जाके उसको जड़ से मिटाने की कोशिश करता है। दोस्तों, कोई भी पौधा अगर होता है उसकी जड़ में आप जो डालेंगे, खाद डालेंगे, तो वो पूरा पौधा ही ठीक हो जाएगा। मतलब उसी तरह से अगर हम कोई भी बीमारी की जड़ से हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो बीमारी पूरे ख़त्म हो जाएगी, और आयुर्वेद एग्जैक्टली यही काम करता है। दोस्तों आयुर्वेद का मानना है कि सारी बीमारियों का कारण हमारा पेट है। जी हाँ दोस्तों, हमारा पेट ही सारी बीमारियों की जननी है। दोस्तों, हमारी खाने पीने की खराब आदतों की वजह से हम बचपन से ही अपने पेट को ख़राब कर देते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत ही पका हुआ, तला हुआ, मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, ज़्यादा अनाज खाते हैं और कम से कम फाइबर खाते हैं, जिसकी वजह से आजकल बहुत से लोग बीमार रहते हैं। दोस्तों, आज के समय में मैं आपको बता दूँ कि 90% लोगों का पेट खराब रहता है। दोस्तों, हमको लगता है कि रोज़ सुबह लेटरिन करने से हमारा पेट साफ़ हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा पेट अंदर से गंदा ही रहता है। दोस्तों, यही कारण है कि आजकल बहुत सी बीमारियां बढ़ने लगी हैं, जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, थायराइड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कैंसर का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये सब बीमारियों के सबसे बड़े कारण के बारे में। दोस्तों, ये सभी बीमारियों की जड़ जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम कब्ज़ के नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है और ज़्यादातर बीमारियों की जड़ कब्ज़ में ही होती है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम आज खाना खाते हैं और दो तीन बाद उसको निकालते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हमको लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खाना आज खाते हैं और उसे कल निकालते हैं, और वही आप आज खाना खाते हैं और तीन चार दिन बाद उसको निकालते हैं, तो वो तीन चार दिन तक पेट में पड़े पड़े कितनी गंदगी फैला सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, यही पेट की गंदगी हमारे खून में मिलती है और हमारा खून भी गंदा हो जाता है। दोस्तों, ये खून खराब होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती है और हार्ट अटैक होने का कारण भी यही है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में हार्ट अटैक क्यों आता है? आप कहोगे कि आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आता है, लेकिन आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण क्या है? तो दोस्तों, कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन ही इसके पीछे का एक कारण है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो खाना हमारे पेट में तीन चार दिन तक पड़ा रहता है, जिससे खून गंदा होता है और
वो गंदे खून में हमारा कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है। कोलेस्टेरॉल बढ़ने की वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है और वो हार्ट अटैक का कारण बनती है। तो दोस्तों, अगर ये सब बीमारी से बचना है तो इसकी जड़ को पकड़ना होगा, जो कि कब्ज़ में यानी कि कॉन्स्टिपेशन में है। दोस्तों, अगर कब्ज़ ठीक नहीं करेंगे, हमारा खून ठीक नहीं करेंगे और फिर कितनी भी दवाइयाँ लेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, आजकल लोग अपने शरीर के काफ़ी पुर्जे चेंज करवा लेते हैं, जैसे कि अपनी किडनी चेंज करवा लेते हैं, अपना हृदय यानी कि अपना हार्ट चेंज करवा लेते हैं, अपने घुटने चेंज करवा लेते हैं, यहाँ तक कि अपने बाल भी चेंज करवा लेते हैं। पर दोस्तों, ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ अपना पेट ठीक करने की। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम अपने पेट को ठीक कैसे रखें, यानी कि कब्ज़ से कैसे छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले एक अष्टांग हृदयम करके किताब लिखी गई थी। श्री वाग्भट ऋषि जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, उसमें इसका जवाब दिया गया है। इसका जवाब है मेथी दाना। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना हमारे पेट के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या है, मेथी लेके आते हैं और उसे मेथी दाना समझ के ही खाते रहते हैं। दोस्तों, आपको बारीक जो मिलता है मार्केट में वो लेना है, वो मेथी दाना है वो लेना है आपको। दोस्तों, वो मेथी लेके आने से आप खाते रहेंगे तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा, और उसको भी दोस्तों आपको सही तरीके से खाना है। दोस्तों, आइए जानते हैं मेथी दाना खाने की सही रीत। तो दोस्तों, आपको एक चम्मच मेथी का दाना जो कि बारीक है, उसको एक गिलास पानी में भिगोकर रात को रख देना है, और सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए, बिना ब्रश किए, बासी मुंह पे वही मेथी दाने वाला पानी पी जाना है, और उसके बाद में वो मेथी के दाने को चबा चबा कर खाना है। दोस्तों, अगर आप इसको बिना चबाए ऐसे ही खा जाएंगे तो वो अपने बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर आप इसी तरह चबा चबा कर ठीक से मेथी का सेवन करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। फिर चाहे वो डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल हो या फिर किडनी स्टोन हो, ये सब बीमारी आपको इस प्रयोग से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये सब समस्याएं क्यों ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मेथी के दाने खाने की वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, और कब्ज़ ख़त्म करने के लिए आपको दिन में दो बार मेथी दाने का सेवन करना है। दोस्तों, एक बार तो जैसे हमने बताया कि सुबह खाली पेट लेना है, और दूसरी बार आपको मेथी दाने का पाउडर बना के वो पाउडर का एक चम्मच गुनगुने पानी के एक गिलास में मिला के सोने से एक घंटे पहले लेना है। दोस्तों, इस प्रकार यदि आप दो बार मेथी के दाने का सेवन करेंगे तो आपकी कब्ज़ की समस्या यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ ही आपका खून जो है वो साफ़ हो जाएगा। खून साफ होने से आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, और साथ साथ ये इससे जुड़ी समस्याएँ जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, ये सब ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने से आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज नहीं होगा, और आपकी आर्टरीज़ साफ़ रहने से आपको हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ में ही आपका खून साफ होने से आपकी किडनी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी किडनी को कम काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी जो है वो पथरी को धीरे धीरे साफ़ करने लगेगी, पथरी को दूर करने लगेगी, और आपकी किडनी स्टोन की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, मेथी दाने के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके बॉडी में नया खून बनाएगा, और नया खून बनने से आपके बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आपके शरीर के सभी अंग बराबर काम करने लगेंगे। दोस्तों, मेथी के दाने में पोटेशियम भी होता है, जो कि आपकी हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही बीमारियों के लिए एकदम सही है। मेथी के दाने से आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, साथ ही आपका लो ब्लड प्रेशर भी जो है वो ठीक हो जाएगा, और साथ साथ आपके बाल भी झड़ना कम हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पोटेशियम की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया होगा, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारे बालों का झड़ना कम हो जाएगा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे बालों के अच्छे ग्रोथ के लिए उसको नया खून मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो ठीक से ग्रो कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बालों की समस्या में नया शैम्पू, नया सीरम लगाते हैं, लेकिन सही अंदाज़े में देखा जाए तो
हमारे बालों की जड़ को जहाँ से पोषण मिलता है, मतलब कि हमारे खून को ठीक करने से, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने से हमारे बालों से रिलेटेड काफ़ी समस्या है ऐसे ही ठीक हो जाएगी दोस्तों। साथ ही आयुर्वेद में मेथी को सबसे बड़ा वातनाशक बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, वात यानी कि वायु, वायु से रिलेटेड जो भी समस्या है जैसे कि हमारे जोड़ों में दर्द होना, ये सब मेथी के दाने के सेवन की वजह से सब नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों हमारे शरीर में अगर कहीं भी दर्द होता है तो उसके पीछे वात ज़रूर होता है, और मेथी का दाना खाने से ये वात जो है वो नष्ट हो जाएगा और हमारे शरीर में ये दर्द से हम छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों बहुत से लोग घुटनों के दर्द के मामले में अपने घुटने ही चेंज करवा लेते हैं, लेकिन ये करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस प्रकार मेथी के दाने को 3 महीने तक खाते हैं तो आपके घुटनों का बहुत ही पुराना दर्द भी एकदम गायब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको भयंकर आर्थराइटिस होगा तो वो भी मूल से ख़त्म हो जाएगा और आपको घुटनों के दर्द से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों सिर दर्द के लिए भी मेथी दाना बहुत ही असरदार है, इसके सेवन से आपके सिर दर्द को भी आप छुटकारा पा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेथी दाना प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर प्रेग्नेंट लेडी को मेथी दाने का सेवन करवाया जाए तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं और सिजेरियन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इससे बच्चे के विकास के लिए भी ज़रूरी पोषक तत्व तो मिलते हैं, लेकिन कोई भी गर्भवती महिलाएँ अपने खाने में परिवर्तन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों मेथी के दाने की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, आप एक बार मेथी का दाना लाके घर में रख देंगे तो उसको पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो के ज़रिए कि एक मेथी के दाने के सेवन से हम कितनी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ की वजह से हम बहुत सी भयंकर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और साथ साथ ही दवाइयों से बच सकते हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं और दवाइयों के भयंकर खर्चे से भी बच सकते हैं दोस्तों। तो ये मेथी का दाना हमारे लिए हर एक तरीके से एक आशीर्वाद के समान है, इसको हमको पहचानना चाहिए और ये हमारे आयुर्वेद में लिखा गया एक सुवर्ण वक्तव्य है दोस्तों। दोस्तों अगर आप अभी अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकालेंगे तो भविष्य में आपको अपनी बीमारियों के लिए और उसके इलाज के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो बेहतर है दोस्तों कि आप अभी अपने सेहत पे ध्यान दें, उसके लिए समय निकालें और ये मेथी के दाने का प्रयोग शुरू करें। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों में से अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप ये चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को दबा के ऑल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।